ആയം താളം, നമോ സിത്താളം, നമോ ആര്യരിയാണം, നമോ ഉവച്ചായാണം, നമോ നോയേ തപ്പതാവും, യേശോ പഞ്ചോ നമുക്കാരോ സപ്പാവ പരാശണോ, മംഗളാനഞ്ച സപ്പേശീം പടമംഗോയി മംഗളം. ഓംകാര ബിന്ദു സംയുക്തം നിത്യം ധ്യായന്തി യോഗിന, കാമനോ മോക്ഷകം ചൈവ ഓംകാരായ നമോ നമ. അജ്ഞാനതിവീരാന്താനാം നാനാം ജന ശലാകയാ നേത്രമുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ. राजस्थान के मखमली धरा से आर्य गुण गुरु कृपा तीर्थ राम जी की गोद मेरु तुम घोड़ी पासना तीर्थ की अंजन सला का गत वर्ष 2073 महावडव आठम 21 जनवरी के दिन ऐतिहासिक रूप में संपन्न हुई. देखते देखते एक वर्ष गुजर गया. एक वर्ष के दौरान इस तीर्थ की गरिमा बढ़ गई. इस तीर्थ की गरिमा बढ़ाने के लिए आप सबने तन मन धन अंतर मन से योगदान दिया. आज यह तीर्थ अनंत उपकारी गुरु ने गुण सागर सूरी का एक महान स्वप्न साकार हुआ और साकार होते होते प्रथम वर्ष वर्षगांठ का मंगलकारी प्रसंग उपस्थित हो गया. आद्य दादा गुरु ने महाप्रभावक अजोड़ त्यागी ऐसे आर्य रक्षी सूरी महाराजा उनकी समाचारी प्रवर्तन आचार्य पद की 9वीं शताब्दी अनंत उपकारी गुरु ने गुण सागर सूरी सर जी महाराजा साहब की जन्म शताब्दी इनकी स्मृति में यह तीर्थ श्री मेरुदंड घोड़ी पासना तीर्थ का भव्यता से नव निर्माण हुआ और नव निर्माण होकर के एक वर्ष संपन्न हो गया. इस वर्षगांठ के मंगल अवसर पर नूतन आचार्य वर्षी तप के तपस्वी आचार्य प्रवर श्री कविंद्र सागर सूरी जी मुनिराज कल्पतरु सागर जी की उपस्थिति हुई यह तीर्थ का गौरव है. इसी वर्ष इसलिए गत वर्ष तीर्थ की प्रतिष्ठा के बाद प्रथम भव्य चातुर्मास परम तपस्वी सुसाध्वी भव्य गुणासी आदि थाना तरण का भी ऐतिहासिक रूप में संपन्न हुआ और अब यह वर्षगांठ का मंगलकारी अवसर जब आया है तब पूर्व अध्यक्ष इस तीर्थ की गरिमा बढ़ाने के लिए पूर्व अध्यक्ष शासन रत्न परम गुरु भक्त मांगीलाल जी वडेरा वर्तमान अध्यक्ष और तीर्थ को समर्पित ऐसे वर्तमान अध्यक्ष श्री भीमराज जी बोहरा एवं कार्याध्यक्ष परम गुरु भक्त ऐसे श्री शंकरलाल जी पढ़ाइया आदि सबकी सेवाएं इस तीर्थ को मिली है मिल रही है और तीर्थ ट्रस्ट मंडल और अन्य भी कमिटी अन्य भी तीर्थ गुरु भक्त तन मन धन से इस तीर्थ की भक्ति के अंदर जुड़े हुए. जब प्रथम वर्षगांठ का अवसर आया है तो वार्षिक ध्वजारोहण के चढ़ावे और अगली वर्षगांठ के चढ़ावे और वार्षिक अष्ट प्रकारी सामग्री के चढ़ावों के अंदर तन मन धन से अंतर मन से भाग लेकर तीर्थ की गरिमा बढ़ानी है और इस तीर्थ की पावन भूमि पे बार बार आते रहना सेवा करते रहना और धन्य बनते रहना ऐसा मंगलमय शुभ आशा.